ऑलराइट गाइस, तो यार मैंने इस गैस सिलेंडर को इस वाटर टैंक के ऊपर चढ़ा लिया। काफी मुश्किल और मशक्कत से मैंने इस गैस सिलेंडर को इसके ऊपर चढ़ाया। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो मार्किंग हो रखी है वो 15.7 किलोग्राम की मार्किंग है। इसका मतलब यह है कि इस टंकी का वजन 15.7 किलोग्राम है। इस टंकी को गैस कंपनी ने पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि यार पूरी तरीके से नीचे से लीक हो चुकी है। अब ना तो ये घर में काम आने वाली है और ना ही उस कंपनी के काम आने वाली है। तो यार क्यों ना इसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाए और इसका किया जाए ड्रॉपिंग टेस्ट। तो क्या होता है जब हम 120 फीट की हाइट से इस टंकी को नीचे गिराते हैं, क्योंकि यार अक्सर हम देखते हैं कि घरों में इस टंकी के साथ कुछ ना कुछ किया जाता है, कभी इधर कभी उधर, तो यार काफी रिस्की भी हो सकता है। तो आज हम इसकी टेस्ट करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इसका नीचे क्या हाल होने वाला है। वीडियो विशेषज्ञों की निगरानी में बनाया गया है। इस वीडियो में सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है। आप कृपया इसे घर पर दोहराने का प्रयास ना करें। ओके, तो गाइज मैं इस टैंकी की आपको हालत दिखा देता हूं। ऊपर से दिखने में काफी फ्रेश लग रही है, मगर इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा हुआ है, ना ही गैस है और ना ही इसको गिराने में कोई रिस्क है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो लीकेज है वो है यहाँ पे इस पैनल के ऊपर। यहाँ पे आप साफ तरीके से देख सकते हैं यहाँ से पूरी तरीके से गैस निकल चुका है और कंपनी इसको रिजेक्ट कर चुकी है। अब ये हमारे सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने में काम आएगी और देख लेते हैं कि इस हार्ड लोहे का जब नीचे गिरता है तो इसका क्या हालत होता है, क्योंकि यार ये वीडियो बिल्कुल रिस्की नहीं है। इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और आप ऐसा वीडियो घर पे ट्राई करने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिएगा। ऑलराइट गाइस, तो मैं आपको एक बार नीचे की गहराई दिखा देता हूँ। आप नीचे की गहराई भी देख सकते हैं, 120 फीट की यहाँ पे गहराई है और हमारी जो ये टंकी है वो 120 फीट की हाइट के ऊपर है। मैं इसको फेंकने वाला हूँ, मगर उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल के लिए सब्सक्राइब, 5 लाख की फैमिली में जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है और काफी आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। तो यार लाइक जरूर कर देना और आज हम टेस्टिंग करने वाले इस टैंकी की देख लेते हैं कि नीचे जाने के बाद इस खूबसूरत और फ्रेश टैंकी की क्या हालत होती है। ऑलराइट गाइस, तो अब इसको बारी आ चुकी है फेंकने की, तो फेंक देता हूं 1 2 3। ओके, तो गाइस मैं टंकी से नीचे आ चुका हूँ। मैंने टंकी को यहाँ पे गिराया था, मगर टंकी उछल के उस दूरी तक पहुंच चुकी है। देखते हैं कि टंकी का क्या हाल हुआ है। ऑलराइट गाइस, तो मुझे कुछ ज्यादा तो इसके ऊपर फर्क महसूस नहीं हो रहा है, मगर यहाँ पे थोड़ा सा इसको आप बेंड देख सकते हैं और पूरी तरीके से ये टंकी सेफ है। तो यार कहने का मतलब ये है कि यार हमारे ये घरों में टंकी काफी थी पूरी तरीके से सुरक्षित है और 120 फीट की हाइट से गिरने के बाद भी ये पूरी तरीके से नहीं फटी है। थोड़ा सा बेंड जरूर आया है, मगर हमारे घरों में बिल्कुल सुरक्षित है। तो यार दोस्तों कैसा लगा वीडियो हमें जरूर बताएं और मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।